बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू होम किचन। आज जो मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाएंगे वो स्नैक्स की है और बहुत जल्दी से बन जाती है और मज़े की भी बहुत लगती है। तो हम बनाएंगे नान पकोड़ा, जो कि पंजाब में तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और हमें भी अच्छा लगता है। तो हमने सोचा आपसे शेयर करते हैं ये रेसिपी, जिसके लिए मैंने ये नान ले लिए 3। ऐसे तो हमने बाज़ार के लिए, आप चाहें तो घर के भी बना सकते हैं। एक प्याली बेसन लिया है और अगर ये जब हम इसको घोलेंगे कम होगा तो हम इसमें और भी ऐड कर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें जिसको मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना है, और 3 प्याज हैं जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। 2 चमचे लिए हैं कुटी हुई मिर्चें, 1 चमचा है नमक, 1 छोटा चमचा हल्दी और 1 छोटा चमचा लिया है हमने ज़ीरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बॉल में नान को कर दें एक तरफ और बॉल में हम सारी चीज़ें डालेंगे। अच्छा, मैंने इसमें एक बड़ा आलू भी लिया है जिसको मैंने इस तरीके से ये बारीक काट लिया है, बारीक ही काटना है, वो भी हमने इसमें शामिल करना है। अभी जो हमने सारे लिए हैं मसाले इसको पहले डालेंगे, बेसन हम बाद में डालेंगे। बहुत जल्दी से बन जाता है और टी टाइम में स्नैक्स में तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारा इस वक्त टी टाइम ही हुआ हुआ है। इसको मिक्स करके ये आलू डाल देंगे, अब हम इसमें डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और ज़ीरा। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बेसन। पहले इसको हाथ से मिक्स करेंगे, अगर हमें पानी की देखेंगे कितनी ज़रूरत है तो फिर उस हिसाब से ही पानी डालेंगे। ये मिक्स कर लिया है हमने अच्छी तरह, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक थिक बैटर बनाना है हमें, जैसे हम पकोड़ों का बनाते हैं उसका थोड़ा सा पतला होता है, इसका हमने थिक बनाना है ताकि वो हमारे नान पे टिक जाए। और फ्राइज़ भी हैं इसमें, तो ये ज़रा मज़ेदार सा बनने वाला है। मैंने थोड़ा सा बेसन और डाल लिया था, मुझे कम लग रहा था। ये थोड़ा पानी और जाएगा इसमें, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, ऑयल मैंने रख दिया है कढ़ाई में, इसको फ्राई करेंगे। मीडियम पे फ्राई करना है ताकि हमारे आलू वगैरह सब गल जाएं। तो आते हैं हम, ये देखें ऑयल हमारा मीडियम पे है, मैं थोड़ा सा तेज़ हो गया था तो मैंने इसका फ्लेम अभी बंद कर दिया है। इसको हमने बिल्कुल मीडियम लेकर आना है। अब हमने करना क्या है कि हमने जो नान का पीछे वाला हिस्सा है ये, इसको ऐसे लगाना है बेसन हल्का सा, और फिर हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा नहीं लगाना पीछे साइड पर, हमने अच्छी तरह हाथ से फैला लेना है। बहुत मज़ेदार से ये नान पकोड़ा बनता है। और फिर हमने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है और उस पर ये रख देना है और फिर आगे वाले पोर्शन पे लगाना है। अब हमने इस तरीके से, ये थोड़ा सा बैटर थिक होता है ना, तो हमने इसको रखना है, ये समझ गए। पूरी तरह फैला देंगे हर चीज़, हाथ से सेट करेंगे। ये हमारा, ये देखें ये पूरा सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मीडियम ऑयल हो रहा था चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, अब उसको ऑन करूँगी और इसको आराम से हम क्या करना है, हमें ऑयल में डाल देना है।
बिल्कुल आराम से। बस चूल्हा स्लो रखना है फ्लेम, थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा तो इसके ऊपर हम घी डालेंगे यानी ऑयल डालेंगे। ये हम इस तरीके से जो गरम ऑयल है ये नान के ऊपर डालेंगे ताकि ऊपर का जो हमारा बैटर है ये भी सेट हो जाए। चार से पाँच मिनट इसको लगेंगे फ्राई होने में। बहुत मज़ेदार सी शक्ल लग रही है इसकी, और नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा आप बैटर बनाने के बाद। हमने भी टेस्ट कर लिया था, हमारा बिल्कुल नमक सही था। ये बिल्कुल सेट हो चुका है, अब हम इसको आराम से पलट देंगे। ये देखें पीछे से बहुत अच्छा सा हो गया है। दो से तीन मिनट ये यहाँ फ्राई होगा और फिर हम बाकी के भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये हमारा दोनों साइड से माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा फ्राई हो चुका है, ये देखें। और फ्राइज भी आपको दिख रही हैं, बहुत अच्छी सी हो गई जो हमने इसके ऊपर लगाई हैं। अब हम इसको निकालेंगे और जो दूसरा है वो हमने रेडी कर लिया है, वो ऑयल में डालेंगे। ये देखें ये हमारा जो दूसरा हमने डाला था वो भी मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, इसको भी हम निकालेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में हमारी वीडियोज़ को, और हमें सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी मिले। अब हम अपना जो तीसरा था हमारा वो भी इसमें डाल देंगे। जी तो फ्रेंड्स ये देखें हमारे मज़ेदार सा नान पकोड़ा बनके रेडी है। इसके साथ हमने ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है और साथ इसके मैंने ग्रीन चटनी बनाई है जो इसके साथ बहुत मज़े की रहेगी। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है, बिल्कुल ये अंदर तक सिक चुका है। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखें और इस नेक्स्ट टाइम में ये सारी वीडियोस आप हमारी ट्राई करते रहें रेसिपी।